तो बारिश स्टार्ट हो गई है भाई, हमारे वापस वापस आ रहे हैं। अरे यहाँ पे विजिबिलिटी है बिल्कुल जीरो 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 विजिबिलिटी पे हम चले हुए हैं। ये तो बरसाती वगैरह हमने डाली हुई थी भाई, थोड़ा बच गए हैं, मतलब मोहित ने डाली हुई भाई जो भी है। और थैंक यू और मोहित जब हम जैसे 3 बजे के करीब जो ऊपर 7:30 से हम चले हैं, तो वहीं से ही बारिश होती छोटी छोटी वो स्टार्ट हो गई थी। जैसे अब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो देख सकते हैं आप, अब तो ठीक बढ़ती जा रही है बारिश। अरे यही बस यही इंजॉय है, यही तो हम तो देखो यही तो मेमोरीज होती है, यही मेमोरी है, इसी को याद से यही याद दे के रहेंगे हम साथ साथ के घर को। बिल्कुल चलो मिलते हैं आगे। अब सोच रहा था कि लोग जो ऊपर ख़त्म कर दूंगा, बट अभी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा आगे लेके जाऊंगा यार, नेक्स्ट उसमें डालूंगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके डालूंगा मैं। अभी जिस साल का ये मौसम है मैं दिखाता हूँ आपको कैसे हम पहुँचते हैं आगे। हाँ हाँ पूरा गिटला गिटला टोटली ऑफ रोड है भाई, टोटली ऑफ रोड है ये वाला। वर्ल्ड की जो मोस्ट डेंजरस फील आ रहा है, वर्ल्ड की जो मोस्ट डेंजरस जो कुछ पास है वो उसमें से जो 7 पास है इसको भी टॉप 10 में आता है ये भी, मतलब वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड में टॉप 10 में ही है ये। और सोचते हैं आप क्या ही होगा, ये क्या ही बारिश जो बढ़ गई है। तो चलते हैं आगे और अब आगे निकलने की कोशिश करते हैं सीधे और आगे दिखाते हैं आपको जहाँ थोड़ा, क्योंकि अभी हाथ पैर बहुत ठंडे पड़ गए हैं भाई, हाथ से फोन नहीं पकड़ा जा रहा, मतलब ये वाला सीन हो गया। चर्स वी आर हैविंग अ कप ऑफ टी भाई, जिस हिसाब से बारिश हो रही है ना, ये चाय मिलना हमारे लिए अमृत के समान, अमृत के समान है, अमृत के समान है। यार सेक रहे हैं भाई, इसको डालेंगे हम पार्ट 2 करके, क्योंकि पार्ट 1 तो हमारा बन गया है। यस बैक कैमरे के नंबर। तो अभी भी हम स्टिल 7:30 के थोड़ा सा नीचे पहुंचे हैं और यहाँ रुके हुए थे चाय वगैरह पी, बारिश लगे हुए मेरे को लग रहा है 1/4 से 1.5 घंटा हो गया हुआ है, और हमने यहाँ पे खाना खाया, चाय पी, उसके बाद कॉफ़ी लाए थे हम, कॉफ़ी बनाई है, कॉफ़ी पी, अभी भी बारिश नहीं रुक रही है। तो अब सोच रहे हैं कि थोड़ा मौसम खुल गया है, वैसे अब थोड़ी पहाड़ियाँ पूड़ियाँ दिख रही है यार इस तरफ भी और पीछे की साइड भी, तो अब ऐसा करते हैं कि निकलते हैं भाई, क्योंकि 4:20 हो गए हैं अभी और चंबा पहुँचना हमें वापस। यहाँ से 19 किलोमीटर है बैरागढ़ से आगे चंबा, तो मिलते हैं आगे। ये पहुँचे अभी, थोड़ा पक्का रोड जो है भाई स्टार्ट हो गया है अभी यहाँ से। अरे यहाँ भाई चाय वगैरह पीते हैं, चाय बोली है, ये है शर्मा ढाबा भाई, तुम्हारा रानीकोट बस रानीकोट पहुँचे हैं अभी। रानीकोट से आगे बैरागढ़ जो है 5-6 किलोमीटर बचा होगा, बट अब दिक्कत नहीं है, अब जो है वो पक्का रोड जो है स्टार्ट हो गया भाई, और इसको डालेंगे हम सेकेंड पार्ट में, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो ऑलरेडी वो 20-25 मिनट का हो जाएगा, तो 2 घंटे भाई बना पूरी मूवी, क्योंकि सेकेंड तो शूट करने का था नहीं वैसा कोई इरादा, पर फिर मौसम देखा तो सुबह धूप शाम को बारिश, तो फिर सोचा कि चलो 2 पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि ये जो लोकेशन है भाई ये फिर दोबारा थोड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि बैरागढ़ भी मैं 6 या 7 साल के बाद आ रहा हूँ दोबारा से, तो अब 7:30 नेक्स्ट पता नहीं कब हो भाई, तुम्हारा पता है ना, हमारा पता नहीं होता ना भाई। 5 मंथ के बाद तो कुछ ऐसा मौसम हो रखा है, और टाइम अभी ये हो रहा है अभी टाइम भाई, तो अब निकलेंगे आगे, ठंड काफी लग रही है, देखते हैं अब आगे का सीन। चाय जो है बन गई है, निकले चाय बनी बनी ले आओ फिर। हेलो गाइस, कुछ ऐसा मौसम है, शाम के बज रहे हैं 6, हम निकले हैं रानीकोट से आगे, अभी पहुंचेंगे बैरागढ़ में, बैरागढ़ से पहले इसकी जो जरूरत है वहाँ पे
वगैरह करवाई थी, वो वहाँ पे वेरीफिकेशन वगैरह रहेगी हमारी दोबारा से। उसके बाद हम वहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के बाद निकलेंगे आगे शाम के बजे 6 और पहुँचना हमें चंबा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं आगे का हमारा जो रहने वाला वो कैसा रहेगा अभी आगे का सफ़र। तो चलते हैं आगे। हम वापसी के फिर से पहुंच गए हैं बैरागढ़ में। अरे ये सामने का व्यू और ये हमारे भाई है सामने ऊपर पहाड़ी के जो स्नोफॉल। तो आप समझ सकते हैं ठंड का लेवल क्या रहा है यहाँ पे। आप जाओ मेरे भाई ठंडे वाले वो सामने तो चलते हैं आगे आगे दिखाते हैं। अब जो अंधेरा है वो हो चुका है, बाइक लाइट जो दिख रही है वहाँ पर। हाँ ठंड का जो स्तर था भाई वो भी अब थोड़ा नीचे आया है। तो चलते हैं अभी आगे। 7 बजे के करीब हम तीसरा पहुँचेंगे तो हमारा आइडिया 9 बजे का, 9 बजे हम चंबा पहुँच जाएंगे। देखते हैं अभी